जंगल पिक्चर्स सर वी हैव सिचुएशन ओ भाई साहब वी हैव वीक इससे पहले कोई बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर इस इंटेल का सोर्स क्या है भाई साहब में बात भूल रही थी सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनी है बोल रही है कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट पे नेपोटिज्म का काफी हाथ है उसे सने के अलावा से बात आपको भी लगता है मैं पोजीशन से अपनी करती हूँ आई फिर जिस बोल सकता है राजन पेपर तलवार क्या सोचा बच जाओगे आप ये सोचने के पैसे नहीं मिलते आई गेट पेड वाह लंदन की एम्बेसी खबरी जब तक मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस न मिले एवरीवन इज सस्पेक्ट बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं जी डाटा दे रहे हैं फोटो से उन्हें जो प्रूफ चाहिए था वो खतरे में नहीं डाले सुहाना मैं भी आपको बोल रहा था ये स्पाई है हाँ भाई साहब क्या कौन है मेरी आइडेंटिटी मेरा वजूद वो सब चेंज है सब मुझे बस किसी बड़ी की बगी की तरफ उठाया और ये बकरी क्या करेगी पूरा का पूरा शेर खा जाएगी Oh my god. उलझ क्या खबर ना क्या क्या था लगा गाइस क्या गजब की मूवी है इसमें पहले तो सस्पेंस इतना ज्यादा स्टोरी हमें समझ में ही नहीं आया लास्ट में जाके हमें पता चला कि इसमें जानवी कपूर स्पाई है या उस पे इल्जाम लगा कि उसी के ऊपर बेसिकली उससे थोड़ा बहुत हेल्प करवा के अच्छा बोल के उसको काम करवा के उसी के ऊपर सारा इल्जाम थोप दिया गया उसको ही सस्पेक्ट बना के एक तरीके से उसी को एक तरीके से गुनाहगार बना के उसी से क्राइम करवा के लंदन भिजवा के सारी चीजें करने के बाद उसी के ऊपर सारे इल्जाम थोपने के बाद ऑटोमेटिकली जानवी कपूर कैसे इस सिचुएशन से बचती है और किस तरीके क्या क्या उसके साथ होता है कौन कौन सी क्या स्ट्रगल रहता तो ओवरऑल मूवी बहुत गजब होने वाली पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूरा फुल अप और गाइस जानवी कपूर यहां पे बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग देखने मेन रोल पे वही है बेसिकली एक्टिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और बहुत मजा आया एक्टिंग देखने बहुत दिनों बाद कुछ बड़ा थ्रिल वाली मूवी देखने को मौका मिला एनीवेज गाइस आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय